तो वहीं राज्यसभा के चुनाव में भाजपा ने भी दो प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। पूर्व मंत्री और प्रदेश उपाध्यक्ष रहे राजेंद्र गहलोत को पार्टी ने पहली वरीयता में ही प्रत्याशी बना दिया, तो एकदम चौंकाने वाले नाम में शामिल हुए ओंकार सिंह लखावत। राजेंद्र गहलोत संघ बैकग्राउंड से आते हैं और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के करीबी भी माने जाते हैं। दूसरी ओर ओंकार सिंह लखावत राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं, तो राजे के कार्यकाल में उनको राज्य मंत्री का दर्जा भी मिला। प्रदेश इकाई ने फॉर्म भरने के बाद ओंकार सिंह लखावत को बीजेपी उम्मीदवार घोषित किया था। आइए जानते हैं दोनों प्रत्याशियों के बारे में। तो भाजपा प्रत्याशी हैं राजेंद्र गहलोत, पूर्व मंत्री और प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके हैं राजेंद्र गहलोत। राज्यसभा चुनाव में 3 सीटों के लिए 4 प्रत्याशी आपको बता दें कि मैदान में है। ऐसे में 200 विधायकों की विधानसभा में 3 सीटों को लेकर वोटों की गणित भी जानना होगी। तो 1994-1998 तक शेखावत सरकार में मंत्री भी रहे हैं और हाल ही में हुए पार्टी संगठनात्मक चुनाव में उन्हें प्रदेश प्रभारी भी बनाया गया था। उनकी देखरेख में ही हुए थे प्रदेश में चुनाव। राज्यसभा प्रत्याशी चुने जाने के पीछे 2 बड़ी वजह है। संघ बैकग्राउंड से आते हैं राजेंद्र गहलोत, लंबे समय से संगठन से जुड़े हुए हैं राजेंद्र गहलोत, इस कारण आरएसएस ने दी थी उनके नाम की सहमति। 1977 में सोजत विधानसभा सीट से विधायक का चुनाव उन्होंने लड़ा। 2006 में जोधपुर यूआईटी के अध्यक्ष पद पर भी रहे। 2008 में सीएम गहलोत के सामने सरदारपुरा से लड़ चुके हैं वे चुनाव। 2014 में महापौर का चुनाव लड़कर भी उन्हें नहीं बनाया गया था महापौर, लेकिन 5 साल तक बोर्ड में सार्थक भूमिका उन्होंने निभाई। शहर के कई ज्वलंत मुद्दों को भी उन्होंने उठाया है। 2015 में उन्होंने लड़ा पार्षद का चुनाव। आपातकाल में 19 माह तक जेल में भी वे रहे। 1980 से 1986 तक युवा मोर्चे के पहले प्रदेशाध्यक्ष रहे। अब चलिए ओंकार सिंह लखावत के बारे में बता देते हैं आपको। राज्यसभा प्रत्याशी हैं ओंकार सिंह लखावत और राजस्थान धरोहर संरक्षण और प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष भी रहे हैं। तब ओंकार सिंह लखावत को मिला था राज्य मंत्री का दर्जा। लखावत पहले भी रह चुके हैं राज्यसभा सदस्य। उनको वसुंधरा राजे के खेमे का नेता माना जाता है। संघ पृष्ठभूमि से जुड़े रहे हैं ओंकार सिंह लखावत, इसलिए आलाकमान को भी प्रत्याशी के तौर पर लगे मुफीद। पार्टी ने राजी गुट और आरएसएस को संतुष्ट करने का भी प्रयास किया है, ऐसे में उनको कम अंतर आंकना भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं होगा। वरिष्ठ वकील भी हैं ओंकार सिंह लखावत। अजमेर से की थी उन्होंने राजनीति की शुरुआत, लेकिन लखावत का नाम केंद्रीय नेतृत्व ने नहीं किया था तय। प्रदेश इकाई ने फॉर्म भरने के बाद किया बीजेपी उम्मीदवार घोषित। अब लखावत की प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं दांव पर है। लखावत की तय मानी जा रही है हार।